अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फलक खान और आपका यमी गर्ल्स में वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बनाने वाले हैं अप्पम यानी अप्पे। आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अप्पे बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बर्तन में 1/2 kg रवा बारीक वाली, उसमें हम मिला लेंगे 1/2 लीटर छाछ और 1/2 लीटर पानी। इन दोनों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अमूल की छाछ ली थी, अगर आप कोई और छाछ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बैटर को हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, पतला ही रखेंगे। इसमें अब हम मिला लेंगे 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। इसे हम कम से कम 1/2 hour के लिए सब कुछ मिक्स करके रख देंगे। यहाँ पे मुझे देखो इतना ही ऐड करने पे बैटर गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें और पानी ऐड किया 1 glass। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करके ली हूँ। ये है 2 गाजर बारीक चॉप करके रखेंगे, 1/2 cabbage और ये 2 capsicum है, ग्रीन कैप्सिकम और एक ऑरेंज कैप्सिकम। एक पैन में हम 1 tablespoon ऑयल हीट कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा डालेंगे राई, थोड़ी सी ज़ीरा टेम्परिंग के लिए यानी बघार के लिए। ये स्प्लैटर करने लगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखे थे, वो डाल के स्टर कर लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, गलने नहीं चाहिए, बस सॉफ्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे, हम इसे भी स्टर कर लेंगे। देखो वेजिटेबल्स का कलर कितना चेंज हो गया ना, और क्वांटिटी में सबसे पहली बात देखो कितनी कम हो गई है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स और बहुत टेस्टी है, ऐसा लगता है जैसे मसाला इडली खा रहे हैं। अब हमारा देखो बैटर कितना गाढ़ा हो गया है ना, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली थी जब हमने रखे थे सेट होने के लिए इसे। अब हमने जो वेजिटेबल्स तेल में फ्राई किए थे उसको हम ठंडा करके इसमें बैटर में ऐड कर लेंगे। अगर आप कुछ और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन चिलीज़ मतलब स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ग्रीन चिलीज़ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉप करके डाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चे खाने वाले थे तो हमने ग्रीन चिलीज़ नहीं ऐड की थी, हमने बड़ों के खाने के लिए सॉस को स्पाइसी बना के ले लिया था। इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स भी, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डाली है, उससे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का, हेल्दी खिलाने का। और ये मतलब ऐसे खा लेते हैं ना कि उनको पता भी नहीं चलता ये कितनी सारी भाजी खा ली। ये इवनिंग स्नैक में बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट मॉर्निंग स्नैक में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अप्पम तवा ले ली हूँ, अप्पम तवा गर्म कर लेंगे। उसके बाद में मैंने ब्रश से इसमें ऑयल जो है ना ज़्यादा नहीं है, स्प्रे करना है हल्का सा ही क्योंकि ऑलरेडी नॉन स्टिक है। फिर हमारा जो बैटर है हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास अप्पम तवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको पैनकेक की तरह भी यानी कि हम जैसे उत्तपा खाते हैं उत्तपे की तरह भी बना के खा सकते हैं। लाइफ में कोई भी चीज़ मतलब नहीं होने की वजह से रुकना नहीं चाहिए। लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी। ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। अटेम्प्ट तो करना ही है, 100% नहीं होगा, 10% होगा। बैटर डालने के बाद में स्लो हीट पे हमें इसे ढक कर रखना है। चेक करेंगे बीच में ये रेड हो गया है कि नहीं, टर्न हुआ है कि नहीं रेड। इसका कलर देखो कितना प्यारा सा चेंज हो गया है। अब हम इसे मैंने ये बटर नाइफ ली थी, आप फोक से स्पून से या नाइफ से भी इसे फ्लिप कर सकते हैं क्योंकि स्पून से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसे टर्न करने क्योंकि बहुत छोटे छोटे से होते हैं, स्पून का साइज जो है वो बड़ा होता है, इसलिए हम इसे टर्न कर लेंगे।
अगर आप नॉर्मल तवे पे उत्तपम की तरह डाल रहे हैं तो उसे भी स्लो पे पैन को ढक देंगे और पकने देंगे। फास्ट पे नहीं करेंगे, फास्ट फ्लेम पे नहीं करना है। फ्लिप करने के बाद में भी हम इसे ढक कर रखेंगे और इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे आप कोकोनट चटनी विद सांभर के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही यमी लगता है, यकीन मानिए बच्चे ऐसे ही खा लेंगे विदाउट चटनी के साथ में। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। अब इसे खाइए गपर गपर। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।